पे चार्ज पे भी रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी और किस तरह से जो है अभी बद्दी के जो है कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा? पहले तो आपके माध्यम से मैं समस्त बद्दी वासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उनके सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी ट्रैफिक समस्या जो यहाँ पे विद्यमान है, उसमें हम जरूर कर चाहेंगे कुछ अच्छा काम करें, और जो क्राइम को हम कंट्रोल करके उसको प्रिवेंट करके जैसे एक सजग और सुरक्षित समाज का निर्माण करने के में हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जैसे हमारे एसपी साहब जो बार बार वो इस पर फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो क्राइम को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को यहाँ पे एक सुरक्षित समाज का माहौल मिल सके, तो उसके लिए हम जैसे जैसे डायरेक्शन आएगी हमारे एसपी साहब की, उसे हम सब काम करते करते जाएंगे। बद्दी में चोरियां बढ़ रही है, गश्त पे किस तरह का रहेगा? बिल्कुल, यह समस्या मेरे नज़र में आई है कि यहाँ पे चोरियों की जो सब घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं और काफ़ी बढ़ रही हैं, तो उनके लिए जरूरी हमें प्लान चॉकआउट करके नाकाबंदी करके जो एरिया को सिक्योर करने की कोशिश करनी है। ये यहाँ क्या पर अवैध शराब और सट्टे जैसे जो है वो भी अवैध कारोबार हो रहे हैं, उन पर किस तरह से हम कुछ करें? बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा उस चीज़ को, और जो भी लीगल फ्रेम में वहाँ पे कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा, और इसको कम करने की और इसको उन्मूलन खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और एक जो नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल्स गाड़ियां स्पीड में दौड़ाते हैं, उस पर क्या रहेगा कि परिजनों को बुलाकर किया जाएगा या चालान मौके पर किए जाएंगे? देखिए, एक जान सबकी कीमती है और वो हमारे लिए भी बहुत बेशकीमती है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य है, और अगर गुमराह हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है, तो दोनों तरीके से वो काम किया जाएगा, चाहे उस पर हो सके तो उनको जागरूक भी किया जाएगा, परिवारजनों को भी जागरूक किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई के चालान करके जो भी होगा उसको हमने मिनिमाइज करना है। और आपके माध्यम से मैं एक सूचना और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ बद्दी वालों से कि एक तो साइबर क्राइम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत सजग रहें उसको लेकर के, और अपना ओटीपी शेयर ना करें, जिस चीज़ के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, जिस चीज़ को अप्लाई नहीं किया है, कोई ऐसा अनसिक्योर्ड लिंक ना खोलें, कोई कॉल जो ऐसा है लगे फेक है उसको ना सुने, उस पर रिस्पॉन्ड ना करें, और किसी से अपना ओटीपी वगैरह शेयर ना करें, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको बाइक ना दें अपनी, क्योंकि जो एमवी एक्ट के चलान है उसके अंतर्गत फाइन भी बढ़ चुका है और वो सेफ भी नहीं है। और इसके अलावा जो दुपहिया वाहन है वो हेलमेट पहने, और हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रहे हैं वहाँ पे किस तरह के जो है मामलों में आपने जो है कार्रवाई की है और किस तरह से अंकुश लगाया है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में? हर जगह की पुलिसिंग वहाँ के समाज पर निर्भर करती है, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स हर जगह पुलिसिंग की अलग अलग है। धर्मपुर में हमने काम करते हुए जो ट्रैफिक सुरक्षा है, ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हमने वो उचित कदम उठाए थे, वहाँ पर अच्छी नाकाबंदी काफ़ी हुई वहाँ पे, जिससे कि इस मामले में कमी आई। अल्को सेंसर का हमने प्रयोग किया, उससे एक्सीडेंट्स में कमी आई है। इसके अलावा में नारकोटिक्स में हमने वहाँ पर अच्छा काम करते हुए काफ़ी सारे मुकदमे ट्रेस किए थे, और वहाँ पे मुकदमे भी काफ़ी दिए हैं। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में अच्छा काम हुआ है, और धर्मपुर में मेनली ट्रैफिक की समस्या थी, उसको हमने उसमें काफ़ी काम करते हुए काफ़ी सारी समस्या सॉल्व सॉल्व हुआ है।